फेरी मेडोज देखा है? नहीं, दुनिया में देखा ही क्या है यार, तुझे फेरी मेडोज नहीं देखा? कदी तुसी फेरी मेडोज गए हो? यार तू फेरी मेडोज दा ट्रैक कर लिया ते मनांगा। दुनिया में देखा ही क्या है? दुनिया में देखा ही क्या है? इस तरह के सवाल सुन सुन कर कान पक चुके थे और दिल में भी एक तमन्ना थी कि ये जगह तो जरूर देखनी है। बेशुमार कोशिशों के बावजूद हम सिर्फ 3 दोस्त ही इस सफर के लिए आमादा हुए। यार ऐसा है कि हमारे बजट के हिसाब से हमारा टूर जो है ना वो कुछ खतरे में आ रहा है, तो अब हम सिक्के के हिसाब से टॉस करना चाह रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। अच्छा, अगर हमारे ट्रिप का इनकार हुआ तो हरगिज मुझे कोई नैश नहीं देगा। फर्स्ट चलो देख लेंगे सिक्का। अच्छा 5 आएगा तो हमने 5 आएगा तो जाने, 4 आएगा तो नहीं जाना। ओके कुदरत नहीं चाहती हम ना जाएं। बेशुमार कोशिशों के बावजूद हम सिर्फ 3 दोस्त ही इस सफर के लिए आमादा हुए। सिर्फ 3 दोस्त होने की वजह से हमने एक गो सी नॉर्थ नामी टूरिस्ट कंपनी के साथ जाने का फैसला किया और हर तरह से इस कंपनी की जांच पड़ताल की। कैसे, मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा, कहाँ जा रहा बेटा? यानी कि देखे ना बेटे, पता क्या, ये 4 दोस्तों ने जाना है तो थोड़ा सा हम भी पहली दफा फेरी मेडोज ये जा रहे हैं। एक तो डर ये भी है कि खैरियत से वापस आ जाए, दूसरा डर ये है कि कहीं बच्चे इतने पैसे खर्च के चले जाएं और ऐसा ना हो कि असल प्लेस ना देख सके। तो बेटा इसलिए मैं तो आपसे ज़रा तसल्ली कर रहा था। सफ़र के आगाज़ से ही चंद अल्फाज ज़ुबान ज़द आम थे। इस टूर के साथ जाने वाले दूसरे लोगों की बातें सुनकर खुशी हुई कि हमारी तरह सब लोगों के अरमान फेरी मेडोज से मुंसलिक हैं। मैं बचपन से नॉर्दर्न एरिया जाया करती थी लेकिन फेरी मेडोज कभी नहीं गई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फेरी मेडोज देखने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे और मैं बड़े अच्छे से इसकी बहुत बहुत तारीफ सुनी हुई थी और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए और मैं बड़ी ख्वाहिश रखती थी कि मैं ना फेरी मेडोज का ट्रैक देख सकूँ। रात 10 बजे लाहौर से बरास्ता मोटरवे सफ़र का आगाज़ किया और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इस कंपनी के तजर्बे का अंदाज़ा हो चुका था। सुबह के 5 बजे चक्री पहुंचे। चक्री खड़े हुए हैं और चूंकि इतनी लेट हो गई नहीं, मैं भेरा कह रहा था वो पीछे गुजर गया, तो बहुत लेट हो गए। इस टाइम पे हमने कहीं नारायण से के बालाकोट के आसपास कहीं नाश्ता कर रहे होना था लेकिन अभी तक हम इस्लामाबाद भी नहीं पहुँचे, बस इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और उसके बाद आगे टूर करेंगे। ये बहुत थकावट हो गई थी, कोई हम आधा आधा घंटा सो भी गए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या लगता है अब, क्या आज का दिन हमारा ज़ाया तो नहीं हुआ? आज का दिन तो ज़ाया नहीं होता, वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो ज़ाया ना हो गया बस। यार वो कह रहा था हमारा ड्राइवर कि उसको दूसरी बस वालों ने मंडा है, अब पता नहीं क्या किया, इसके साथ आएगा तो पता चलेगा। ये तो नहीं थी, उसने ऑर्गेनाइज़र को दूसरी बस वालों ने मंडा है और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो कुछ और मंडने के चक्करों में कुछ और मंडने के होश चाहिए चढ़े होके बैठे हुए। देखें टीचर को नई खबर देखने को मिले तो मैं यही बताना चाहूँगा, लोग खुद गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल, पहले लाइने के रहते हैं, वो खून चखाते हैं और फिर कहते हैं गोश्त लाओ हमारे लिए, बड़ा गोश्त है। नारायण पहुँचे तो थकावट थी मगर ये सुनकर दिल में एक नया जज्बा पैदा हो गया कि कल की रात फेरी मेडोज में होगी।